झंडापुर स्थित आरोहण माइक्रो फाइनेंस के ब्रांच में और यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं सुभाष जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या विधि व्यवस्था है इनकी और किस तरीके से इस लॉकडाउन में जो कि आज से लागू हुआ है इसमें किस तरीके से ये लोग काम करेंगे, क्या तथाकथित जो इनके ऋणी हैं जो इनके संस्थान से ऋण ले चुके हैं उसके ऊपर कुछ प्रेशर भी बनाते हैं या प्रेशर नहीं बनाते हैं, ये आज जानकारी लेंगे सुभाष जी से। सैनिटाइजर यूज भी कर रहे हैं और फील्ड की बात रहे तो देखिए हम लोग का प्रेशर नहीं है, जो कस्टमर इच्छुक होकर दे रहा है तो ले रहे हैं और जो भी समझाने का है हम लोग समझा रहे हैं उसको। और बात रही लॉकडाउन का तो लॉकडाउन का देखिए हम लोग का ऊपर से गाइडलाइन क्या आ रहा है उसके ऊपर हम लोग फिर चर्चा करके फिर बताएंगे आप लोग। नहीं, जहां तक पिछले लॉकडाउन में मैंने देखा मैंने जाना बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई थी कि कुछ जो आपके तथाकथित जो रिकवरी एजेंट होते हैं या रिकवरी बॉय होते हैं वो जाते हैं और जो अक्षम होते हैं वैसे व्यक्ति जिनके पास दो वक्त खाने का जो है वो नसीब नहीं है और उसको जो है प्रेशर जनरेट किया जाता है कि नहीं किस्त तो आपको डालना ही पड़ेगा, तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं आपके यहाँ भी है क्या? नहीं नहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, अगर वो कस्टमर बोल रहे कि आज नहीं दे पा रहे हैं दो दिन तीन दिन टाइम मांग रही है तो हम लोग उसको देते हैं टाइम देते फिर टाइम के अनुसार उसके यहाँ जाते हैं तो फिर कस्टमर हम लोग को सुविधाजनक पैसा देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति में ऊपर से आदेश आने के बाद जैसे पिछले दरमियान हुआ था कि आप लोगों ने कुछ वक्त दिया था कि इतना दिन है दो महीना तीन महीना आप नहीं दीजिए उसके बाद आप दीजिए, क्या इस बार भी ऐसा होने की संभावना है? देखिए इस बार अभी तक हम लोग के पास गाइडलाइन नहीं आया है, आता है तो उसके अनुसार हम लोग भी काम करेंगे, अगर आता है कि नहीं रिलीफ दिया जाए तो हम लोग रिलीफ देंगे कस्टमर को। जी जी बिल्कुल धन्यवाद। तो ये थे सुभाष जी आरोहण माइक्रो फाइनेंस के मैनेजर। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे आया तो मैं देखा कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये लोग कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई बाहर से आवाजाही नहीं है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ पवन कुमार झा, के न्यूज़ भागलपुर।